वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल राजस्थान सरकार का जब बजट पेश करेंगे तो इसको लेकर पहले कांग्रेस और बीजेपी ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दे दी हैं। सत्ताधारी दल के विधायकों ने कहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत हर वर्ग और क्षेत्र के हितों के मद्देनजर बजट पेश करेंगे, तो बीजेपी के विधायकों ने बजट को लेकर उम्मीद तो जाहिर की, साथ ही कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साध दिया। जो देश की आर्थिक स्थितियां केंद्र सरकार गलत नीतियों द्वारा बनी हुई है, जो हमारे सेंट्रल शेयर से पैसा है वो भी मिल नहीं रहा है, उसके बावजूद बेहतरीन प्रबंधन से पिछले एक वर्ष के अंदर राजस्थान के अंदर कार्य हुआ, बेहतरीन बजट पहले तो बना और उसको जमीन पर धरातल पर उतारा गया है। कल का बजट भी सभी वर्गों के लिए बेहतरीन बजट रहेगा। देखिए, हम तो राजस्थान के लोग हैं, यहाँ कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। एक साल हो गया जो सरकार का पहला बजट था, जो सरकार की नींव था, आज उस बजट में से भी एक भी घोषणाएं सरकार पूरी नहीं कर पाई और अब राजस्थान की जनता को ये काट की हांडी चढ़ गई। ये पोपा भाई के राज में अब किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं बची है, चाहे बजट लाए या नहीं लाए, राजस्थान की जनता इनको समझ चुकी है। श्री अशोक गहलोत साहब बहुत संवेदनशील हैं विकास को लेके और निश्चित तौर पे पूरी उम्मीद के साथ हमें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जरूर हमें कुछ ऐसी चीज़ें मेरे क्षेत्र के लिए मिलेंगी जिससे पूरे क्षेत्र का लाभ होगा। कल मुख्यमंत्री जी बजट पेश करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सभी वर्गों से पहले चर्चाएं की हैं, युवाओं को बुलाया गया, किसानों को बुलाया गया और भी क्षेत्र के अलग अलग विभागों लोगों को बुलाया गया और सबकी जो ज़रूरतें हैं, जो रूट लेवल की ज़रूरतें उनको समझा है, सोचा है, उसके मुताबिक इस बजट को तैयार किया गया है। मुझे उम्मीद है कल का बजट में हर एक वर्ग का ध्यान रखते हुए राजस्थान की प्रगति के लिए एक अच्छा बजट पेश होगा। अभी किसानों के लिए तो देखिए, जैसे कोई टिड्डी पैर यदि बड़ी कोई सरकार घोषणा करे तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अब सरकार जो परिवहन का जो मामला हुआ या सरकार का जो सिस्टम अभी चल रहा है, और बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं है मुझे।